भाई गांव के देसी ठाट बाट का खाना आपको आज गांव में ही खिलाने मैं लेके आया हूँ खैरा रोड जो है नजफगढ़ के पास। भाई यहाँ मिलता है बहुत ही लोडेड मक्खन से लदा हुआ चूर चूर नान। आइए दिखाते हैं क्या है खास। हम आए हैं अमृतसरी ढाबा पर और ये फेमस हैं अपने बहुत ही लोडेड चूर चूर नान के लिए जो बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाते हैं। आइए आपको खिलाते हैं। ये आ गए हम अमृतसरी ढाबा के अंदर। फैमिली सिटिंग स्पेस अवेलेबल है। ये रही यहाँ पे इनकी लाइव और बिल्कुल हाइजेनिक साफ सुथरी किचन। और ये रहे हमारे भैया जी। भैया जी राम राम। नमस्ते जी। भैया आपका नाम? कुलदीप यादव। कुलदीप भैया मैंने सुना है खैरा रोड पे गांव के ठाठ बाट का खाना और वो भी शहर वाला अमृतसरी चूर चूर नान आप मेवे से और मक्खन से लाद के यहाँ पे खिला रहे हो जी। कुलदीप भैया कितने रुपए की थाली है ये चूर चूर नान की? 220 की है। 220 रुपए की थाली। और भाई मैंने सुना है एक थाली लगभग दो लोगों पे भारी पड़ती है। हो जाता है। क्या बात है भैया, लगवाइए एक बढ़िया कुरकुरी चूर चूर नान थाली। लगवाते हैं भाई। वॉल डिकल्स भी यहाँ पे इनके खाने के और फैमिली इंजॉय करते हुए लगे हुए हैं। और ये रहा इनका एक्सटेंसिव मेन्यू जिसमें आपको ब्रेकफास्ट से लेके लंच डिनर मेन कोर्स चाइनीज सब कुछ मिल जाएगा। अमृतसरी ढाबा पर हमें मिल गई है किचन एक्सेस और भैया ने मुझे बताया कि जितनी प्लेट का ऑर्डर होता है उतना ही सामान बनाया जाता है, कुछ भी ये बना के नहीं रखते हैं। और हमारी थाली में लगने जा रहा है ये बढ़िया खोए वाला शाही पनीर और छोले। उस्ताद जी बनाइए। भाई ये आ गई सबसे पहले प्राइमरी ग्रेवी और भाई पूरा एक्शन पैक काम है यहाँ पे भी। ये काजू मगज की ग्रेवी है जी। भाई काजू मगज की ग्रेवी है। ये आ गया बटर और ये आ गया खोया। भाई खोए से ये ग्रेवी बनेगी लटपटी। अब कुछ ये जा रहे हैं इस मसालों की तिजोरी से मसाले और भाई खुशबू बहुत ही प्यारी उड़ रही है। ये आ गई ऊपर से अमूल की फ्रेश क्रीम। और उस्ताजी पूरी तरह अपने काम में मगन है। उस्ताजी आपकी स्माइल बड़ी प्यारी है। और ये तैयार हो गया शाही पनीर। उस्ताजी इसमें पनीर तो आया ही नहीं। और ये स्लाइस हो रहा है पनीर और पोर्शन साइज के हिसाब से ही माल तैयार किया जाता है। और ये तैयार हो गई हमारी शाही पनीर। और ये आ गया प्लेट में। ऊपर से और क्रीम। और अब तैयार होने जा रहे हैं छोले। और भाई ये यहाँ पे कुछ टमाटर प्याज हरी मिर्च काट के रखे हैं। सब कुछ फ्रेश बन रहा है और भाई एक्शन पैक काम तो आप देख ही रहे हैं। धुएं उड़ा रखे हैं। वाह। भाई किचन की एक्सेस लेके ये प्रिपरेशन देखने का भी ना एक अपना ही मज़ा होता है। और बस ये थोड़े से छोले क्योंकि ये एक ही प्लेट का माल तैयार किया जा रहा है। और वही काजू मगज की ग्रेवी और ऊपर से ये बटर। जी छोले में भी पनीर जाएगा? भाई छोले में भी डाला जा रहा है पनीर गार्निशिंग के लिए और ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। उस्ताद जी मैंने देखा है जब छोले बनाए जाते हैं ना उसके साथ आलू भी डाला जाता है। आप लोग आलू नहीं डालते? आलू नहीं डालते। भाई बहुत बढ़िया। मुझे छोले का आलू के साथ कॉम्बिनेशन समझ भी नहीं आता लेकिन जनरली मैंने देखा है छोले के साथ आलू दिए जाते हैं और मेरी प्लेट में आलू हमेशा बच जाता है। और ये आ गए हमारे छोले। भाई देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। और भाई साथ में आया ये बूंदी का गाढ़ा गाढ़ा रायता। और भाई ये भर भर के डाली गई है दही की चटनी और साथ में सिरके वाला प्याज। और भाई अब चलते हैं अपने चूर चूर नान की प्रिपरेशन पे। उस्ताद जी धन्यवाद। यहाँ पे उस्ताद जी लगा रहे हैं नान। ये दो पेड़ियाँ लगा दी हैं एक प्लेट के लिए।
और ये इसमें की जा रही है आलू की स्टफिंग। बहुत ही लोडेड होने वाला है ये नान। ऊपर से आ गई कसूरी मेथी और ये उस्ताद जी ने बेल दिया और ये नान कर दी तंदूर के अंदर। तंदूर ना हल्की हीट पे है ताकि नान बिल्कुल कुरकुरे होके निकले। ये लगाया जा रहा है तंदूर के अंदर ही बटर ताकि नान पे बहुत अच्छी सी ग्लेजिंग आए। और भाई ये आ गए हमारे नान बाहर। देखिए ब्राउनिंग कितनी बढ़िया आई है। और ये उस्ताद जी ने लगा दिया बटर। और भाई ये बटर के बाद ये भैया ने लोड कर दिया है ना किशमिश, मेवे, पनीर और ये ऊपर से ढेर सारा बटर। और भाई ये कर दिया है नान को चूर चूर और ये अब जाएगा सीधा प्लेट में। और भाई ये आ गई हमारी चूर चूर नान थाली। भाई सबसे पहले तो ये थाली देखिए, देखने में कितनी सुंदर लग रही है। रायता, साथ में शाही पनीर, क्रीम डाला हुआ है, काजू मगज की ग्रेवी में ये बनाया गया था, छोले हमारे सामने बनाए हैं और ये नान देखिए। सबसे पहले तो भाई इसमें मैं आपको खोआ दिखाता हूँ, पनीर दिखाता हूँ, किशमिश है देखिए कितनी अच्छी तरह डाली गई है। और ये नहीं एक पे, दोनों पे दबा दबा के डाली है। भाई रुका नहीं जा रहा, इसकी बाइट लेते हैं। और नान बिल्कुल क्रिस्पी फ्लेकी किया हुआ है, आलू की स्टफिंग है अंदर। ये भरते हैं खोआ पनीर और पहली बाइट लेते हैं शाही पनीर के साथ। एंड हियर इज द बाइट। सुपर्ब। भी एक बाइट छोले के साथ। ये भरे छोले जिसमें पनीर भी है और नान का असली मज़ा ना छोले के साथ है। सो हियर इज द बाइट अगेन। वाओ वाओ भाई, फ्लेवर्स ना बहुत ही डोमिनेटिंग है क्योंकि हर चीज़ घी में बनाई गई है, क्रीमी है, मेवे यूज़ किए गए हैं, काजू मगज की ग्रेवी है, पनीर बहुत सारा डाला गया है और किशमिश है। ओवरऑल ना बहुत ही स्पाइसी, टैंगी और हल्का सा स्वीट टेस्ट है, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है। भाई सब्जियां तो अच्छी हैं ही हैं पर तारीफ है असली इस पराठे की। जो ये चूर चूर नान है ना और जो ये पनीर खोआ और ये किशमिश भैया ने भर के दिए, आलू अंदर स्टफ्ड है और इस सब्जियों के कॉम्बिनेशन के साथ ना ये टेस्ट एकदम ज़बरदस्त आ रहा है, बहुत ही फ्लेवरफुल आ रहा है। खाते हैं। ज़बरदस्त भाई। ये थाली ना आपको सेटिस्फाई करेगी टू द कोर। ये देसी ठाट वाट का खाना अगर आपको खाना है तो आपको आना पड़ेगा अमृतसरी ढाबा जो है खैरा रोड पे नजफगढ़ के पास। और ये जो सब्जियों का आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं ना ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी करा सकते हैं। छोले की जगह दाल मखनी ले सकते हैं या आपको कुछ और पसंद है वो ले लीजिए। पर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ टेस्ट ऐसा है कि आप एक बार खा लेंगे ना यहाँ बार बार आएंगे अपने ग्रुप के साथ, अपने फैमिली के साथ। इन्जॉय। कुलदीप भैया खाना हमने खा लिया भाई, वाकई ज़बरदस्त था। ये बता दीजिए अगर हमारे व्यूअर्स को यहाँ पे आना है तो अपनी टाइमिंग्स क्या है? सुबह 11 से स्टार्ट हो जाता है रात के 10 बजे तक। तो मतलब ब्रेकफास्ट से शुरू करते हुए लंच से होते हुए डिनर तक यहाँ पे आया जा सकता है। और भैया बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन की अगर बात करें तो ये खैरा रोड पे है, घुमनेड़ा वाला जो रोड है मेन रोड, उस रोड पे नियर बाई HP पेट्रोल पंप के पास। ओके। और कोई छुट्टी भी होती है भैया? महीने में एक छुट्टी करते हैं। भैया किसी ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म से भी फूड डिलीवर करते हैं? जोमेटो से। जोमेटो से डिलीवर भी हो जाएगा।